दोस्तों, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है बहुत ज़्यादा पावर कट है, और मैंने आपको पुरानी वीडियो में कई प्रकार के मिनी पोर्टेबल यूएसबी पावर्ड का फैन का रिव्यू किया है। और इस बार जो है हमने एक ब्रांडेड और एक हाई क्वालिटी का पर्सनल फ़ैन मंगवाया है। तो फ्रेंड्स, ये है ब्रांड जो है बजाज है, और इस फ़ैन का जो नाम है पिप्समी मिनी पर्सनल फ़ैन। तो आप कह सकते हैं कि ये 110 सीसी अगर डायमीटर आप देखोगे तो 110 सेंटीमीटर के आसपास आप कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस जो है, अगर आप कंपनी के प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस कंपनी ने जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1600 रुपये के आसपास पड़ा है। आप ये देखिए, प्राइस जो है 1620 रुपये के आसपास है। पर ये फ़ैन जो है आपको ऑनलाइन अमेज़ोन या लोकल मार्केट में 1100 से लेकर 1200 रुपये तक मिल जाएगा। अगर आप ट्राई करोगे तो 1000 के आसपास भी मिल जाएगा। तो प्राइस जो है हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो चलिए समझते हैं इस फ़ैन के फीचर और फंक्शन। तो मैं फटाफट आपको एक बार इसको चलाकर दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये देखिए, ये मीडियम स्पीड पे चल रहा है, और अगर मैं आपको इसकी मैक्सिमम स्पीड चला दूँ तो आप ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला जो है एक प्रकार का पर्सनल फ़ैन है, जो कि रिचार्जेबल भी है। और आपको चाइनीज़ ब्रांड का भी ऐसा फ़ैन मिल जाएगा जो कि 350 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन भी करूँगा, और मैं आपको इसका प्रॉपर एयर फ्लो कैसा है, कितना ये नॉइज़ी है, और पूरा एक एक चीज़ जो है मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगा। तो फटाफट मैं आपको इसके फ़ीचर बता दूँ जो कंपनी ने मेंशन है। तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से आपको जो है इस पर 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, 4 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, हाई स्पीड है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसकी स्पीड जो है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, और यूएसबी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आप चाहो तो इसको पावर बैंक या मोबाइल एडाप्टर से भी चला सकते हैं। मल्टी क्लिप फंक्शन, जैसे आप एक क्लिप देख रहे हैं, तो इससे जो है आप इसको अपने डेस्कटॉप का जो बोर्ड होता है उसमें आप लगा सकते हैं, नहीं तो हैंग करने के लिए भी कंपनी ने होल्स दिया है। तो आप दीवार पे भी इसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, स्क्रू की मदद से वॉल माउंट कर सकते हैं। अगर हम इसके टेक्निकल डिटेल की बात करें तो दोस्तों, ये इसके कुछ फीचर कंपनी ने बताए हैं। मल्टी यूटिलिटी क्लैप मैकेनिज़म, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्लैप जो है इसके आप कई ढंग से इसको यूज़ कर सकते हैं। 1800 mAh की इसमें लिथियम आयन बैटरी है, हाई स्पीड ऑपरेशन है, इसकी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी, जैसे मैंने आपको चलाकर भी दिखाया था। LED चार्जिंग इंडिकेटर है, जैसे आप ये देखिए, ये चार्ज हो रहा है तो ये लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। और लास्ट जो है, आप जो है दोस्तों, इसका जो है एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, 360 डिग्री एडजस्टेबल विंड डायरेक्शन। तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसमें जो है आपको 2 कलर मिलेंगे, जैसे एक ये ब्लू है और एक वाइट है, तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इवन बजाज की तरफ से जो है 2 प्रकार के 2 मॉडल आ रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो है आपको 1600 रुपये के आसपास, 1600 या 1700 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो थोड़े से फीचर इसमें बेहतर हैं, बैटरी बैकअप बेहतर है। तो आप सेलर के द्वारा दी गई फ़ोटोज़ वगैरह आप ये देख सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक जो है मुझे ये प्रोडक्ट लगा, और पहला जो रिचार्जेबल फ़ैन है मुझे इतना पसंद आया है। कॉस्टली ज़रूर है, नो डाउट 1000 के आसपास है, पर जो इसके फीचर हैं, जो फंक्शन हैं, जो आप चाइनीज़ वाले या अनब्रांडेड रिचार्जेबल फ़ैन लेते हो उससे कई गुना बेहतर है। तो चलिए, आपका जो है मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इसमें एक फंक्शन है कि जैसे ये पावर बैंक से लगा हुआ है तो इसकी इंटरनल बैटरी भी चार्ज हो रही है, और आप इसको चला सकते हैं। जैसे ये मैंने बटन दबाया तो ये चल गया। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको डायरेक्ट पावर बैंक से चला रहे हो या किसी मोबाइल एडाप्टर से चला रहे हो,
इसकी स्पीड जो है जो इंटरनल बैटरी से जब आप चलाते हो उससे ज़्यादा है, डबल ही आप कह सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और इसको मैं इसके पावर इंटरनल बैटरी का जो इसका है उससे मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। अभी जो है ये अगर मैं इसकी स्पीड सेट करूँ, तो आप स्पीड सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये बटन दिया है, ये LED इंडिकेटर है, और यहाँ से जो है आप इसको चार्ज कर पाएंगे। तो नॉर्मल USB केबल इसके साथ आई है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इसका USB केबल है। तो हाई क्वालिटी जो है USB केबल इसके साथ दी गई है, और एक यूज़र मैनुअल दिया गया है। तो यूज़र मैनुअल की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फ़ीचर इसमें बताए गए हैं। तो यूज़र मैनुअल की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी ये ऑफ हो गया है, और अब जो है ये इसकी मिनिमम स्पीड है। तो मैं फटाफट जो है मिनिमम स्पीड में जो है आपको साउंड लेवल चेक करा दूं। तो 49 dBA जो है इसका साउंड लेवल है। तो अगर मैं एयर फ्लो दिखाऊं तो मैक्सिमम जो लोग हैं मेरे हिसाब से तो इसको हाईएस्ट स्पीड पर ही चलाएंगे, और जो है आप ये एनेमोमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एयर फ्लो मीटर डिवाइस आप कह सकते हैं। तो लोएस्ट स्पीड जो है इसकी आप जो है 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है ये एयर फ्लो दे रहा है। तो चलिए मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ। अब जो है ये इसकी स्पीड डबल हो गई, मीडियम हो गई है। तो सबसे पहले साउंड लेवल, DBI, और अगर आपको मैं इसका एयर फ्लो दिखाऊं 3.3 मीटर पर सेकंड। तो इधर इस स्पेसिफिक एरिया पे जो है आप जो है कह सकते हैं इसका एयर फ्लो जो है 3.3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो हो सकता है जब आप इसको 1 फीट की दूरी पर रख रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये 2 फीट की दूरी पर रखा है, तो इसका एयर फ्लो जो है थोड़ा कम हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ये पेपर से इसका आपको एयर फ्लो दिखाऊं, तो थोड़ा सा ये कम ही दिखा रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप इसको बैटरी मोड पे चला रहे हैं तो इसका एयर फ्लो कितना है। और अगर आपको मैं ये पेपर्स वगैरह ये देखिए ये पूरा उठा पा रहा है, तो मीडियम स्पीड में आपको ज़्यादा निराशा नहीं लगेगी। तो चलिए मैं इसका स्पीड और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसकी जो है अभी हाई स्पीड है। तो हाई स्पीड पे जो है थोड़ा सा नॉइजी हो गया है, DBI जो है इसका नॉइज लेवल आप कह सकते हैं, क्योंकि इस फैन को जो है साइलेंट होना चाहिए, साउंड मतलब नॉइज नहीं करना चाहिए, ताकि आप इसकी आवाज़ में जो है आराम से पढ़ पाएँ, सो पाएँ, रिलैक्स कर पाएँ। तो जितने भी सीलिंग फ़ैन है या टेबल फ़ैन है आप खरीदें तो उसका नॉइज ज़रूर चेक कर लें। और अब जो है ये देखिए एयर फ्लो जो है 4.0 या 4.1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। हाईएस्ट स्पीड पे जो है इसका एयर फ्लो जो है काफ़ी अच्छा है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इवन मैंने अपना जो है सीलिंग फ़ैन बंद कर दिया है, और बहुत ही गर्मी का मौसम है। तो चलिए अब जो है मैं आपको इसका डेमो देता हूँ, ये पेपर्स जो हमने काट रखे हैं इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भैया इसका एयर फ्लो कैसा है। और अगर मैं आपको एक टिश्यू पेपर दिखाऊं, तो टिश्यू पेपर्स जो है आपको ज़्यादा रियलिस्टिक पता चल जाएगा। ये देखिए पूरा तरह से ये उठा रहा है। तो 110 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर है, उस हिसाब से जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, जब आप इसको चौथी बार दबाओगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। और अब जो है मैं इसको कोशिश करता हूँ लाइव वीडियो में कि डायरेक्ट केबल लग जाए, नहीं तो मुझे ये वीडियो थोड़ी सी
और रोकनी पड़ सकती है बीच में, तो कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जो है ये चार्जिंग मोड में आ गया, तो मैं आपको इसकी हाई स्पीड दिखाता हूँ। तो जब आप इसको किसी पावर सोर्स से, चाहे वो पावर बैंक हो या मोबाइल एडाप्टर हो, तो इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, मतलब इवन कह सकते हैं डबल के आसपास हो जाती है। थोड़ा सा नॉइजी भी हो जाता है, पर इतना ज़्यादा नॉइजी नहीं होता ही। ये देखिए 66 dBi जो है इसका नॉइज लेवल है dBA, और ये आप इसका एयर फ्लो चेक कर सकते हैं। meter per second के हिसाब से जो है इसका एयर फ्लो 5 तक जा रहा है। और अगर आपको मैं ये जो मैंने हमने जो है कागज़ का ये बना रखा है, आप ये देखिए, तो इससे जो है आपको इसका एयर फ्लो का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये आप ये देखिए, ये जो टिश्यू पेपर है इसको ये बहुत बेहतर ढंग से उठा पा रहा है। तो प्रोडक्ट जो है बहुत ही बेहतर है, बहुत ही उम्दा है, और इसका यूज़ जो है आजकल जैसे भारत के जो मंदिर होते हैं, लोगों ने मंदिर बना रखा होता है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन ये फ़ैन जो है आप इसको कैरी कर सकते हैं, कैंपिंग में जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रास्ते में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, मटेरियल जो यूज़ किया गया है, हाई क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। कंपनी की तरफ से जो है आपको 1 ईयर की इसमें वारंटी मिल रही है। अगर आप इसका सस्ता और डुप्लीकेट मॉडल आप देखेंगे, तो ये देखिए ये चाइनीज़ वाला है, ये आपको सिर्फ 350 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। सेम फंक्शन, सेम फीचर, सेम लुक। तो जैसे मैं इसको अगर ऑन करूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका लोएस्ट स्पीड है, ये इसकी मैक्सिमम मीडियम स्पीड्स, और ये इसकी हाई स्पीड। तो चाइनीज़ वाले की स्पीड अच्छी है नो डाउट, पर ये थोड़ा सा नॉइजी है। मतलब अगर आप ये देखोगे तो इसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका बैलेंस बिगड़ गया है, इसके जो अंदर ब्लेड्स हैं। sixty-two, sixty-three dBi जो है इसका नॉइज़ लेवल है। अगर आप इसका एयर फ्लो देखोगे three point four meter per second या 4.1 meter per second के हिसाब से इसका एयर फ्लो आ रहा है। और अगर मैं आपको ये फटाफट इसका पेपर्स दिखाऊं, तो परफॉर्मेंस में जो है काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी थोड़े से छोटे हैं। अगर आप इस बजाज का ब्लेड्स देखोगे तो फुल साइज है, जबकि इसके ब्लेड्स जो हैं काफ़ी छोटे हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसमें टिश्यू पेपर रख दूं, जिससे आपको और आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए, ये ज़्यादा उठा भी नहीं पा रहा है, मतलब एयर फ्लो ठीक ठाक है पर इतना नहीं है। अगर मैं ये चला दूँ, बजाज का चला दूँ, तो इससे जो है आपको दोनों फैन की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। तो अब ये देखिए, ये बजाज बिक्सबी मिनी पर्सनल फैन और ये चाइनीज। तो प्राइस में जो है अगर आप देखोगे तो फ़र्क है, मतलब ये 1000 के आसपास है, जबकि ये वाला जो है सिर्फ 350 का है। तो अगर मैं आपको दोनों का फाइट टू फाइट कंपैरिजन दिखाऊं, आप ये देखिए, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर जो है, अगर मैं थोड़ा यूँ कर दूँ, आप ये देखिए, इधर आप ये देखिए, तो फ़र्क है ज़मीन आसमान का। पर क्योंकि मैंने इसको पावर बैंक से जोड़ रखा है, तो इसलिए इसका थोड़ा एयर फ्लो भी ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं सभी ब्रांड के, सभी प्रकार के रिचार्जेबल पर्सनल फ़ैन का लिंक्स डाल दूंगा। तो जैसे बजाज का ये पिक्समी मिनी पर्सनल फ़ैन है,
ये आपको 1100 से लेकर 1200 रुपये तक अमेज़ोन मिल जाएगा। तो इसका जो हाई फाई मॉडल है वो आपको 1700 या 1800 रुपये तक पड़ेगा। और मैंने पुरानी वीडियो में जो है कई प्रकार के मिनी यूएसबी फ़ैन या कूलर, ये जैसे मेरे पास डीसी फ़ैन भी है, ये इससे भी बेहतर है इस वाले मॉडल से, पर क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी डेड हो गई है तो ये लोकल मेड है, कोई वारंटी नहीं मिलती है। और मेरे पास इवन आर्केटिक कूलर के सभी मॉडल हैं, तो कंसेप्ट बहुत अच्छा है। और भारत में जैसे आजकल लाइट भी जा रही है, पावर कट हो रहा है, इन्वर्टर फेल हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो है खरीदना बनता है। और बेहतर रिजल्ट के लिए जो है आप 3000, 30,000 या 20,000 mAh की बैटरी रखेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।